तुम्हारे साथ घाट पर कौन आने वाला है बताओ ना, किसकी आने की तैयारियां करनी है? है कोई विशेष जिसके समक्ष इस सृष्टि का श्रृंगार भी फीका लगे, और वो है राधा। कान्हा क्या कर रहा है तू? इतना बस फेस क्यों कर रहा है? हाँ बलराम, शीघ्र सारे वस्त्र उठा दे और इन्हें ढंग से रखने में मेरी सहायता कर दे, ठीक है? जी मैया। कान्हा क्या कर रहा है तू? क्यों सता रहा है मैया को? हाँ अरे दाऊ, मैया को बोलो मुझे सच होना है। मैया, लगता है कान्हा नए वस्त्र पहन के सज होना चाहता है। सज होना चाहता है किस लिए? टोली के साथ खेलने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें सज क्यों होना है? दाऊ, जितना कहा है उतना कीजिए। वो टोली के साथ खेलने के लिए? हाँ, तो उसमें सज होने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता था मैया यही प्रश्न पूछेंगी, बताओ आप। आवश्यकता है दाऊ। आवश्यकता है मैया। परंतु क्यों? खेलने ही तो जाना है ना, तो उसके लिए श्रृंगार करके क्यों जाना? जाना है तो ऐसे ही जा लल्ला। कान्हा को सच होकर सुंदर दिखने का मन है, तो इसमें गलत क्या है? आज तुम्हें बड़ा श्रृंगार करने का विचार आ रहा है। बात ही ऐसी है, आप नहीं समझेंगे। आप बस मैया को कहिए। तुम्हारे और मैया के चक्कर में मैं कठपुतली बन गया हूँ। वो मैया कान्हा सज होकर सुंदर दिखना चाहता है ना? अच्छा, तो मेरे कान्हा को सुंदर दिखना है। ठीक, यदि ऐसी बात है तो आज कान्हा की मैया उसे स्वयं सज्ज करेंगी। ये हुई ना बात। बलराम देखना मैं कान्हा को कैसे सज्ज करती हूँ, ऐसा श्रृंगार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। क्या पता कान्हा आज तुझे देखने के लिए कोई विशेष व्यक्ति आ रहा हो। हाँ ठीक कहा मैया, विश्व में सबसे विशेष। क्या काका? मैया वो देखिए श्रृंगार का दुकान। आपने कहा था ना कि आप श्रृंगार के सामग्री दिलाओगी, चलिए ना मैं। ठीक है, दिला देती हूँ तुम्हें श्रृंगार का सामान। चलो क्या चाहिए तुम्हें पुत्री? माँ मुझे तो कुछ विशेष दिख ही नहीं रहा है। भैया क्या आपके पास श्रृंगार की सामग्री है? क्षमा चाहता हूँ बहन जी, परंतु मेरी दुकान पर बेचने लायक कोई सामग्री ही नहीं है। कल रात को अचानक आई आंधी ने सब नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं राधा, हम फिर कभी सामग्री ले लेंगे, अभी हमें विलंब हो रहा है। चलो पुत्री। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। राधा कृपा करके समझने की कोशिश करो, ये आंधी आने के कारण ना सब लोग कितने उदास हैं राधा, ऐसे में तुम्हारा हट करना क्या उचित है? चलो राधा चलते हैं। चलो राधा रानी कहीं नहीं जाएगी। राधा एक बार मैंने कह दिया ना, माँ की बात सुनो और कोई रानी वानी नहीं हो तुम। चलो। मैं नहीं चलूंगी। देखा मैंने श्रृंगार नहीं किया ना, इसलिए आप भी मुझे राधा रानी नहीं मान रहे हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। श्रृंगार की वस्तु ना मिलने से राधा रुष्ट हो गई है, अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। आराध्या।
राधा को मनाने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके और श्री राधा के मिलन में मैं सहभागी बनूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा आराध्य। ठीक है राधा, तुम्हें वृंदावन नहीं जाना ना, तो नहीं चलेंगे, हम अपने घर चलते हैं। अब तुम्हें तुम्हारे बाबा ही समझा सकते हैं, माँ की बात तो तुम्हें सुननी नहीं है ना, चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, ना घर ना वृंदावन, मैं यहाँ से हिलूंगी ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बिना श्रृंगार के देखे। मैं राधा रानी हूँ और रानी को बिना श्रृंगार के कोई नहीं देख सकता। अभी के लिए बस इतना बता सकता हूँ कि जो आने वाली है उसके लिए समझो श्रृंगार का बड़ा महत्व है, और उसके श्रृंगार की व्यवस्था भी मैं कर चुका हूँ। बस हो गया राधा, बस चलो, अब मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगी, चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, छोड़ो। कैसे हो भैया? आप कौन हैं? व्यापारी हूँ ना, पास ही के गांव से आया। मैंने सुना है कि कल रात यहाँ बहुत बड़ी आंधी आई थी, बड़ा नुकसान हो गया लोगों का, तो ऐसे में मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं ही अपने श्रृंगार की सामग्री लेकर यहाँ आ जाऊँ, लोगों की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाएगी और मेरी सामग्री की बिक्री भी हो जाएगी। परंतु यहाँ तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी सामग्री की आवश्यकता ही नहीं, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आवश्यकता है, ये सामग्री मुझे दे दीजिए। चलो अच्छा हुआ, मेरे यहाँ आने से किसी का तो लाभ हो गया। आप तो भगवान बनकर आए। कल आई आंधी ने मेरी दुकान की सारी सामग्री नष्ट कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहना, आइए, सामग्री आ गई है, आपको जो चाहिए वो ले जाइए। माँ, मेरे श्रृंगार की सामग्री आ गई। अंततः ईश्वर की कृपा से सामग्री मिल ही गई, परंतु ये सामग्री आई कहाँ से? पास वाले गांव का कोई व्यापारी आया था। वो अवश्य ही भगवान ही होंगे जो ऐसे समय में भी ये सामग्री ले आए। माँ, मुझे ये श्रृंगार का सामान दिलाओ ना। मुझे कंगन दिखाइए ना। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। आराध्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहिए आराध्य, आपकी किसी भी लीला में सहभागी होना आपके इस भक्त के लिए सौभाग्य की बात है। कानों और दाऊ सब आएंगे। सुबह से संध्या हो गई, परंतु आज का नाम ऐसा खेलना आया ही नहीं। लो, नाम लिया और आ गए। अरे मुखिया जी, काना कहाँ है? वो तो सज्ज हो रहा है। हिलने के लिए इतना सज्ज भला कौन होता है? सज्ज होने के लिए इतना समय तो मैं भी नहीं लेती जितना काना ले रहा है। परंतु काना को इतना सज्ज होने का मन क्यों हुआ? आज कान्हा का सज्ज होने का मन है तो है, अब ये मुझे कैसे पता होगा कि मन क्यों है? वो मुझे कुछ बताता थोड़ी है। श्रृंगार सामग्री लेकर आप राधा रानी के लिए व्यापारी बनकर गए। मैंने तो कभी विचार नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गौरी, आराध्य के इस लीला में कब किस समय वो क्या करने वाले हैं, इसका विचार तुम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। और ये तुमसे किसने कहा कि आराध्य ने मुझे वहां श्रृंगार की सामग्री लेकर भेजा था? जिस लीला से प्रेम का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, उसी लीला का
शुभारंभ करने के लिए भेजा था मुझे। देखना गौर, शीघ्र ही प्रेम की यात्रा आरंभ होने वाली। प्रेम की देवी राधा का वृंदावन में आगमन हो ही गया।